साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखे, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची कॉर्नर। 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नामदार एकनाथ जी शिंदे साहब के शुभ हस्ते उप मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय अजितदादा पवार, कृषि मंत्री धनंजय जी मुंडे, इनके प्रमुख उपस्थिति में और मंत्री महोदय के उपस्थिति में अपने मालेगांव में राहुरी कृषि विद्यापीठ के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि विज्ञान संकुल, जिसके अंतर्गत 5 कृषि महाविद्यालय और 1 डिप्लोमा कॉलेज, इस प्रकल्प का फर्स्ट पेज का लोकार्पण संपन्न होने जा रहा है। मैं सभी मालेगांव वासियों को विनंती आह्वान करता हूं, इस कार्यक्रम में आपको सादर आमंत्रित है और आप शुभेच्छा और आशीर्वाद देने के लिए इस प्रोग्राम में आप शामिल हुई हैं। लगभग इस 5 कृषि महाविद्यालय और डिप्लोमा कॉलेज के माध्यम से महाराष्ट्र से 1200 से 1500 स्टूडेंट्स शिक्षण कृषि पाने के लिए यहाँ पर आएंगे। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को कैसे लाभ हो सकता है, उनकी प्रगति कैसे हो सकती है, इस विषय के बारे में ये 5 कृषि महाविद्यालय के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, किसानों को मार्गदर्शन किया जाएगा। मैं समझता हूँ पूरे महाराष्ट्र वर्ष में एक ही जगह पर, एक ही टाइम, एक वक्त पर 5 कृषि महाविद्यालय और 1 डिप्लोमा कॉलेज सिर्फ अपने मालेगांव को मिले हैं। आने वाले दिनों में मास्टर डिग्री और PhD ये भी वहाँ पर सुविधा मान्यता लेने का प्रयास किया जाएगा। मैं समझता हूँ आज मालेगांव के किसानों से लेकर पूरे महाराष्ट्र को किसानों को अपने इस महाविद्यालय कैंपस के द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा, विद्यार्थियों को अच्छा शिक्षण मिलेगा। 650 एकड़ के इस कैंपस में 125 एकड़ पर सभी पढ़ाई का प्रबंध, स्टूडेंट्स की हॉस्टल सुविधा, लाइब्रेरी, लैब, सभी सुविधा वहाँ पर मुहैया कराई गई है। जैसे मैंने बताया 1200 से 1500 स्टूडेंट्स रहेंगे, 200 से 250 कर्मचारी लोग रहेंगे, स्टाफ रहेगा और आने वाले दिनों में ये संख्या 2 से 3 हजार तक स्टूडेंट्स और स्टाफ की हो सकती है। तो मालेगांव के विकास में
एक बड़ी भूमिका इस प्रकल्प से माध्यम से मैं समझता हूँ निभाई जाएगी। तो इस प्रोग्राम को शुभेच्छा आशीर्वाद देने के लिए मैं आप सबको विनंती करता हूँ। दूसरा, आप सबको पता है मालेगांव वासियों ने पिछले 40-45 साल पहले से नार पार जो नासिक जिले के पश्चिम भाग में पेट सुरगाना बड़ी बारिश होती है और ये पानी आगे जाकर समुद्र को मिल जाता है, तो 45 साल से पहले से लेकर वो पानी बांध बनाकर लिफ्ट कराकर उसको गिरणा नदी के शुरुआत में ही छोड़ना चाहिए और उसके उस पानी के माध्यम से पीने के पानी के मसाइल, किसानों के लिए पानी और उद्योग के लिए पानी मुहैया हो सकता है। ये मुहिम 40-45 साल से ली गई थी, अपने अपने तरीके से सभी लोगों ने उसका पाठपुरावा किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ महाराष्ट्र सरकार का, मुख्यमंत्री महोदय एकनाथजी शिंदे साहेब, देवेंद्र जी फडणवीस, अजीत दादा पवार और सभी कैबिनेट ने इसको मान्यता दी। 7,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट नासिक डिस्ट्रिक्ट का कुछ तालुके जैसे कलवन, देवला, सटाना, मालेगांव, नांदगांव और जलगांव जिले के कुछ तालुके, इनके लिए एक आशीर्वाद साबित हो सकता है। सरकार ने ना कि सिर्फ मंजूरी दी, इसका काम का टेंडर निविदा भी निकाल दी है। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए 5-7 साल पूरे होने के लिए लगते हैं, लेकिन कभी ना कभी ये शुरू होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसका टेंडर हो जाएगा, निविदा प्रोसेस हो जाएगी, आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसका काम शुरू होगा। और जैसे मैंने बोला 2-5 साल के बाद उसके अंदर ये जो पानी उपलब्ध होगा, तो जहाँ तक अपने मालेगांव का सवाल है तो पीने के पानी का, किसानों के लिए पानी और इंडस्ट्री के लिए भी पानी, ये मसाइल इस माध्यम से हल होगा। लगभग 1,25,000 एकड़ को किसानों के खेती के लिए ये पानी मुहैया होगा और इस माध्यम से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। नहीं, हे जे सांगितलं होता डाळींचा विषय, डाळी बरं, हिंदी पूर्ण करून घ्यायचं का? बोला। विकास हा दिसून येतोय, दिख रहा है विकास के जो हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे कि भाई हमारे तरफ विकास नहीं हुआ, इधर विकास हुआ, आपका रमदानपुरा, दयाना और जो इलाके जो बरसों से आपके साथ रहे, पिछले 20 साल से आपके साथ है, हमेशा आपके साथ,
वो वहाँ पे अपोजिशन जो है ये बता रहे कि वहाँ पे विकास नहीं हुआ, कुछ चीज़ें यहाँ पे जो हो गई हमको उधर नजर नहीं आ रही, तो ये आरोप का आप कैसे? मैं आज की पत्रकार परिषद रमजानपुरे में भी लेने को बोला था। शायद जो ये चीज़ बोल रहे होंगे वो पहले रमजानपुरा में शायद रहते नहीं होंगे, या रमजानपुरा उन्होंने देखा नहीं होगा। रमजानपुरा में जाते टाइम, क्योंकि नई बस्ती है, नया इलाका बढ़ रहा है, पहले खेती थी, काली मिट्टी की सब जमीन है। पहले तो साइकिल, और इधर भी ऐसा कुछ नहीं, उधर कलेक्टर पट्टा या सोएगांव नवसात में जाते वक्त ये सभी पत्रकार भी उधर रहते हैं। तो ये तो कितने साल से वो वाक साहब उधर रहते हैं। तो साइकिल 97 रस्ते को लगाकर पहले अंदर जाना पड़ता था। तो ठीक है, अभी कुछ सुविधा मुहैया हुई। रमजानपुरा में भी आप जाकर देखो, जो भी डेवलपमेंट हुई ये यही कालावधि में हुई, और अभी तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, और आप चिंता मत करो, लगभग मेरा अपना काम करने का सभी का जो तरीका है, पहले काम करके दिखाते हैं फिर उसके बारे में बोलते हैं। तो अभी तो बहुत सारे काम मंजूर हुए हैं, कुछ अभी शुरू होने जा रहे हैं, और अगले 1 वर्ष तक काम चलेंगे। इतने काम ऑलरेडी मंजूर हो चुके हैं जो, और ये इधर उधर ऐसा कुछ भेदभाव नहीं। आप रमजानपुरा के नागरिकों से जाकर पूछो। मैं भी जब 25 साल पहले सोएगांव में रहने के लिए गया था तो पाण्याची आपल्याला कॅन भरून तिकडे न्यावं लागायचं। तर काळानुसार डेव्हलपमेंट होत असते, आणि आता खूप कामं झाली, आणि असं नाही की नुसतं तिकडे केली। तुम्ही शहराच्या पूर्व भागामध्ये जो मतदारसंघ भी नहीं है, हर चीज वोट के लिए नहीं होती, इंसानियत भी कुछ मायना रखती है। तो हाँ, हो सकता है थोड़ा झुकता माप 60-40 हुआ होगा, 60% इधर दिया होगा, 40% शहर के पूर्व में जो मतदार संघ भी नहीं है उधर के भी काम लिए। आप उधर के जो भी जिम्मेदार लोक प्रतिनिधि हैं उनके साथ आप बात कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं आप। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं समझता हूँ ये दोनों प्रोजेक्ट्स अपने मालेगांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, और सरकार ने इसको मान्यता दी। तो हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार का एक शुक्रिया। आभार शुक्रिया अदा करें। तो इसके लिए मैं सभी को मी ती मराठी करता ते सांगतो मी तुम्हाला। तो 4 तारीख शुक्रवार लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री महोदय और सभी मंत्री महोदय अपने नामपुर रास्ते के कास्टी को पधारेंगे, और उसी जगह पर ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आता मराठीच्या सही बात है, मैं समझता हूँ बैरिस्टर अंतुले साहब जब मुख्यमंत्री थे, हाँ शायद उन्होंने उस कालावधि में ऐलान भी किया था
लेकिन अभी हम सबको पता है, आपको भी पता है, चुनाव हाँ 1-1.5 महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ घोषणा या एक ज़िले के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि महाराष्ट्र में और कई जगह के भी डिस्ट्रिक्ट की मांग है, लेकिन उधर कुछ मुद्दे के ऊपर कुछ जगह पे डिस्प्यूट भी है। जैसे जिला तो बनना चाहिए, लेकिन कहाँ बनना चाहिए, अपना मालेगांव की बात नहीं, मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में सिर्फ अभी मालेगांव डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये नार पार एक बड़ा इशू कई सालों से अपना था, तो उसको भी मान्यता मिल गई, मालेगांव के कामों के लिए भी टेंडर नोटिस निकल गया आज के पेपर में, सकाळला आहे मालेगावच्या कामांची, नारपार मध्ये मालेगावच्या ज्या कामांचा समावेश आहे, गिरणा डावा उजव्या कालव्याच्या पासून जे सगळे जे सर्व कामं, तर त्या कामांच्या साठी पण निविदा आज फ्लॅश झालेली आहे। तर तो एक मोठा वो भी 40-45 साल से उसकी डिमांड थी, तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में तो सिर्फ अभी जो प्रकल्प मंजूर हुआ है उसकी अमल बजावनी जल्द से जल्द होनी चाहिए, और मालेगांव डिस्ट्रिक्ट और रोजगार निर्मिति कैसे होगी, तो इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा।